लगी है, अपनी जो सब्जी लगी है, जो भी अपना फसल, इसके बीच में देखिए आप ये सिरा, आप इसमें देखिए बहुत ही बहुत आसानी से देखिए आप इसे गुड़ाई कर सकते हैं इस तरीके से। आगे आगे चलना आपको ऐसे ऐसे पौधे के साथ, देखो पूरी गुड़ाई हो जाएगी। तो दोस्तों मैं कहता हूँ जैसे आपने पानी लगाया उसके चौथे पांचवें दिन ही आप बहुत ही बहुत आसानी से आप इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से, और जो आपका ये जो सिरा है ये उल्टा करके भी आप इससे भी कटाई कर सकते हैं, जो मोटा झाड़ है, बाकी आपको इसका सीधा ही चला सकते हैं। इसे देखिए कितना आसानी से इस पौधे के साथ में मिट्टी भी लग गई है आपकी, और मिट्टी के साथ साथ के अंदर आपकी इसकी गुड़ाई भी होगी। तो देखिए सारा का सारा एरिया आपका कवर हो गया इससे। तो दोस्तों जहां पर 5-6 लेबर लगेंगे आपकी, वहां पर ये अपने टूल एक बंदा ही काफी काम कर रहा हूँ। ये टिलर दिखा रहा हूँ, देखिए इसका आपका काम करने का, इसी फील्ड के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका डेमो। जितने भी खरपतवार चलाने के अंदर देखिए इसको सिंपल इस तरीके से हाथ में पकड़ना है, और देखिए काफी आसानी से मिट्टी को पूरा भुरभुरा बना देगा। देखिए मिट्टी को आराम से 2-2.5 इंच तक आराम से उसकी गुड़ाई हो रही है इसकी मात्रा। देखिए दो किसान साथियों मैं आपको जो दूसरा टूल दिखा रहा हूँ ये भी इसी हैंडल के साथ में फिट हो जाएगा, और देखिए काफी शार्प है, बहुत पहना होता है, और ये जमीन में दिखाता हूँ जैसे कैसे खरपतवार को बहुत ही बहुत आसानी से निकालेगा। ये पूरा देखोगे इस ब्लेड के पीछे के कैसे मिट्टी को आगे की तरफ निकाल के लेके जा रहा है, देखिए आप दोस्तों। इन टूल के माध्यम से आप जहां पर आपका काम 8-10 लेबर लग रही थी, वहां पर 1-2 बंदों को आपने हाथ में दे दिया, बहुत आसानी से इसे काम आसान कर सकते हो। एक किसान साथी जितनी अपनी सब्जियों में फसलों में जितना अपने को गुड़ाई करने के बाद में मिट्टी चढ़ाना होता है, देखिए आप इसके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से मिट्टी चढ़ा सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जितनी गहरी मिट्टी जितना ज्यादा कम बत्ती जितना चढ़ाना, बहुत ही बहुत आसानी से आप इससे चढ़ा सकते हैं गुड़ाई करने के बाद। जो मैं दिखा रहा हूँ ये पुश और पुल है, आप देखेंगे इसमें यहाँ पर भी सार्प है और यहाँ पर भी, जितने भी बेल से संबंधित ऐसी जो अपने सब्जियां लगा रखी है उसके लिए बहुत ही बहुत कारगर है, और जो बाकी आपने दूसरी फसल लगा रखी है उसके लिए भी ये बहुत ही बहुत जानदार टूल है। देखिए आपको इसको चलाने का तरीका मैं बताता हूँ, आपने यहाँ पर रखी और ऐसे ऐसे आपको पुश पुल करना है, आगे भी जाएगा तो भी कटाई करेगा, पीछे आएगा तो भी कटाई करेगा, बहुत जल्दी जल्दी आप अपना काम आसान कर सकते हैं, जमीन की लेयर को तोड़ना और सारी खरपतवार आप इसके माध्यम से पूरा का पूरा निकल जाएगा। देखिए साथियों दूसरा जो मैं आपको टूल दिखा रहा हूँ उसमें पकड़ने का ग्रिप देखो, जितनी अपनी माता बहने जो बैठ के काम करती हैं, तो देखिए इससे भी आप बहुत फास्ट काम कर सकते हैं। अब यहां से देखिए नजदीक से देखिए पूरा जमीन के अंदर मूवमेंट कर देगा और पूरी गुड़ाई बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी। देखिए किसान भाइयों इस टूल के माध्यम से आप जितना भी खेतों के अंदर जैसे आपने कटाई छटाई करने के बाद में या जमीन को लेवलिंग के अंदर करना हो गया या फिर आपको अलग घास फूस या कुछ भी चीज को इकट्ठा करना है तो सारा आप देखिए इसके साथ में लगा के बहुत ही बहुत आसानी से आपको जिस भी एरिया के अंदर लेके जाना है वहां पर आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसको एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं और ये जैसे जमीन को लेवलिंग करना है तो जमीन की लेवलिंग भी आप इससे बहुत ही बहुत आसानी से कर सकते हैं इस टूल के माध्यम से। देखिए किसान साथियों जो मैं आपको ये जो आरी दिखा रही हूँ आप इसको हाथ से भी यूज कर सकते हैं, दूसरा इस हैंडल में लगा के आराम से 22-23 फीट हाइट तक की आप कटिंग कर सकते हैं। देखिए आप इसको ऐसे खोल के ये पूरा ऊपर तक खुल जाएगा, जितना हाइट का आपका पेड़ है देखिए पूरा ऊपर तक आ जाएगा, बाकी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जहां पर भी आपको करना है। और यहाँ पर आपको देखिए ग्रिप का काउंटिंग करना है, लगा के देखो आपने ऐसे टेक रहा है दोनों तरफ कटिंग करेगा, देखिए क्या समय लगेगा इसका। देखिए आप दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा कितनी बड़ी ये टहनी है, देखिए आपको दिखाता हूँ। देखिए आप इसकी कटिंग देखिए आप कितना स्मूथ और कितनी शानदार कितनी फुर्ती से इसने आप कटिंग कर दी है। तो दोस्तों इसके माध्यम से जितना अपना पॉपुलर हो गया या बाकी जिस भी तरीके के पेड़ है उनकी कटाई बहुत ही बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इतना ये टूल इस पे तो जितने अपने अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट के लोग हो गए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गए या बागवानी के काम हो गए, उन सबके लिए बहुत ही बहुत जानदार टूल है। किसान भाइयों जो मैं आपको जो लूपर दिखा रहा था ये जो टेलीस्कोपिक है ऐसे एडजस्ट हो जाएगा कंपत्ती जितना करना आपको,
और अब मैं आपको इसके माध्यम से दिखाऊंगा, देखिए कैसे मोटी मोटी टहनी 50-50 एमएम तक की कैसे आप काट सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर लगाया और देखिए कुछ ही सेकंड में अपने जो फलदार पौधे या वैसे पेड़ जिनकी कटाई छटाई करनी है, जैसे अभी जैसे ट्रैक्टर के लग रही थी या वैसे आ रही थी, तो देखो कुछ ही देर में आप सारी कटिंग कर सकते हो। देखिए आप इसकी कटिंग कितना स्मूथ है, कुछ ही सेकंड के अंदर हमने सारा का सारा ये हिस्सा हटा दिया। तो दोस्तों फलदार पौधे या वैसे पौधों की टाइम टू टाइम कटिंग करना होता है, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको अगले साल जो आने वाली फल की क्वालिटी इतनी जानदार रहेगी। तो दोस्तों ये भी एक हमारा बहुत ही बहुत लाजवाब एक टूल है। जितना मैंने आपको जो टूल दिखाया, इनके माध्यम से आप जितनी निराई गुड़ाई कपास गन्ना मेंथा या फिर अपना जितना बागवानी करते हैं या बड़े स्केल पे सब्जी का काम है, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो दोस्तों मैंने आपके सामने वो सारे टूल रखे। इनके माध्यम से आप अपना समय लेबर और अपना जो खर्चा है, देखो अब इसमें गुड़ाई आप आराम से 2-2.5 इंच तक आपकी गुड़ाई होगी, तो आपका जो पौधा ये काफ़ी हेल्दी होगा। इससे तो मैं कहता हूँ कि कोई भी फसल उसमें 2 बार गुड़ाई कर दो पौधे के अंदर कोई, क्योंकि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आप चीज कितने भी डाल दो उनके माध्यम से आप पौधे की ग्रोथ नहीं लेंगे। बट एक बार आपने गुड़ाई कर दिया, 2 बार कर दिया, तो पौधा एक बार पूरा लेवल के ऊपर आ गया, फिर तो इसके ऊपर कोई कीट कोई अपना प्रकोप नहीं छोड़ सकते ज़्यादा। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले अपना पहली बार पानी दो, उसके 3rd या 4th दिन के ऊपर आप इस तरीके से गुड़ाई कर दो इन टूल के माध्यम से, तो आपका पूरी फसल बहुत हेल्दी रहेगा। दोस्तों पूरे भारत में आप कहीं पर भी बैठे हैं, हमारे इन टूल की आपको रिक्वायरमेंट है, तो मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरा मोबाइल नंबर है 9015349777, 9053149770। दूसरे जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक खुद किसान हूं और किसान के साथ ही मैंने अपने काम स्टार्ट किया है। तो दोस्तों अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, उन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरे इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना, दोस्तों ग्रुप में सेंड करना बिल्कुल, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।